हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आप लोगों को, ठीक है? अब पहली बात तो ये कि जितने भी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इस बार बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, ठीक है, और CBSE बोर्ड के बच्चे हैं और भी बोर्ड के बच्चे हैं, अदर बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं तो आप लोगों को पहले से ही पूरा ऑप्टिक्स मैं अपलोड कर रहा था। फाइनली मैंने ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया है। रे ऑप्टिक्स वन शॉट में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। वेव ऑप्टिक्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स सिंगल वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया, उसमें पूरे कंसेप्ट डिटेल से कवर किए गए हैं। तो कहने को तो वो वन शॉट है, लेकिन उसमें मैंने पूरे डिटेल से आपको लेक्चर मिल जाएंगे और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, उसके अलावा बायोलॉजी का, बहुत सारे MCQ 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए अपलोड कर दिया है पूरा। तो अगर आप लोग अभी तक नए बच्चे को आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ आपको पूरा PDF फाइल मिल जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कि मैथ का सैम्पल पेपर चाहिए, किसी को केमिस्ट्री का चाहिए, किसी को, तो वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ लिंक ज्वाइन कर लो और सीधे वहाँ आपको सारा PDF फाइल मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके PDF फाइल में निकाल लेना, ओके, प्रिंट आउट करवा लेना और उससे पढ़ना, स्टडी करना, आपको बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए पूरा मैंने GOC वगैरह डाल दिया है 12th क्लास का, ठीक है। GOC डालने के बाद आप पूरा जिस तरह जिस सीक्वेंस में मैंने डाला है ना केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर इस तरह आप देखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको 12th के ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अच्छा से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो यार, अधूरा मत पढ़ो। देखो मेरा वन शॉट नहीं है वो, पूरा डिटेल कोर्स है, पूरा डिटेल कोर्स है, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगा, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है, एरर कुछ रहती है आगे पीछे लिखने उखने में, बट कंसेप्ट के मामले में आपको कुछ कमी नहीं है। और इतना पढ़ लेते हो तो आपका IIT, GE, NEET 12th का बोर्ड तो बहुत बढ़िया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर मैं अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने वाला हूँ, हाइड्रोकार्बन में डाल दूंगा आज, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट में डालूंगा, तो ये हाइड्रोकार्बन का बहुत सारा रिएक्शन जो है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स का पार्ट, बहुत सारा पार्ट आपको नेमिंग रिएक्शन जो है, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, ये सारे टॉपिक, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे रिएक्शन आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको रिपीट होगा। तो आप लोग एकदम इस सीक्वेंस को फॉलो करो, आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताओ, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ओके ओके, बाय।